मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और आज मैं देने जा रही हूँ आपको इंडिया के नंबर वन और सबसे ज़्यादा बिकने वाले मिक्सर ग्राइंडर का रिव्यू। यह है सुजाता का मेरा डायनामिक्स मॉडल और ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है। इसके अलावा इसके कई सारे मॉडल आते हैं जैसे मल्टीमिक्स, सुपरमिक्स और पावरमेटिक प्लस। और इसके अलावा कौन कौन से आते हैं वो मुझे नहीं पता है, अब नए और आ गए हो तो। और आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, सबसे अच्छा तो मुझे इसका डिज़ाइन लगता है कि इसको इतना अच्छा डिज़ाइन इसको दिया गया है कि ये बहुत कम स्पेस लेता है और छोटे से स्पेस में भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसकी हम साइड देखें, अगर आप इसके ये एयर कूलिंग के लिए दिया गया है दोनों साइडों में, इससे दोनों साइडों में दिया रखा है, दे रखा है ये एयर कूलिंग के लिए। और बात करें इसके वायर की तो 2 मीटर से भी ज़्यादा लंबा इसका वायर है कि अगर आपका किचन में स्विच बोर्ड कहीं दूर भी है तो ऐसा नहीं है कि आपको मिक्सर को उठा के वहाँ ले जाना पड़ेगा, आप इजीली इसको कहीं अपनी जगह पर रख रख के कहीं पर भी लगा सकते हैं। और जो इस मिक्सर को यूनिक बनाता है वो है इसका ये वाला पार्ट, इसका कपलर। मोस्टली सभी ब्रांड में कपलर जो होता है वो प्लास्टिक का ही बना होता है, लेकिन इन्होंने इसका कपलर जो है वो मेटल में दिया है, ये मेटल का कपलर है। अब आज बात करें इसके जार्स की, तो जार्स तो हर ब्रांड में 3 जार ही मिलते हैं मोस्टली, और इसमें भी 3 ही हैं। लेकिन ये है इसका बड़ा जार, ये आप देख सकते हैं, और इसमें इन्होंने इसमें क्लिप्स दे रखे हैं, इसके लिड में क्लिप्स हैं कि अगर आपको बार बार इसको हाथ ना रखना पड़े इसके। और इसकी कैपेसिटी है 1.5 लीटर, और ये बहुत ही अच्छे एसेस का बना हुआ है, बहुत हैवी जार है इसके। और आपने देखा होगा जो मोस्टली जार का ये वाला पार्ट होता है नीचे वाला, ये प्लास्टिक में होता है, लेकिन ये जो है इन्होंने मेटल में दिया। और आ जाते हैं अब इसके सेकंड जार पर, ये जो है इसका इसका सेकंड जार वो है 1 लीटर में, और इसके लिड में इन्होंने क्लिप्स नहीं दिए हैं। फिर आ जाता है इसका थर्ड जार, इसको कि आप छुटकू सा चटनी जार भी बोल सकते हैं, ये है 400 ml का जार इसका। और बात करें इसकी लिड की, तो इसके जो लिड हैं वो ट्रांसपेरेंट पॉलीकार्बोनेट के बने हुए हैं और बहुत ही मजबूत नॉन ब्रेकेबल हैं ये, अगर आपके हाथ से ये छूट भी जाएगा तो इस पर टूटने का डर नहीं है। तो ये तो हो गया इसके जार्स। अब मेन आती है मिक्सर का जो होता है मेन पार्ट, उसकी मोटर। तो अब बात करते हैं इसके मोटर की, इसका जो मोटर आता है वो 900 वॉट में आता है, और इसके जितने भी मॉडल मैंने अभी आपको बताए उन सब की मोटर जो है 900 वॉट की है। लेकिन मुझे पता लगा है कि एक कोई नया मॉडल लॉन्च किया है इन्होंने जिसकी जो मोटर है वो 1000 वॉट की है, और इसकी मोटर पे हमें मिलती है 2 ईयर्स की वारंटी। तो बात करें इसकी प्राइस की, तो ये मुझे 6000 में पड़ा है, अदर ब्रांड से तो थोड़ा महंगा ही है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं और एक अच्छी चीज़ आप ले लेते हैं तो उसमें ख़राबी क्या है कि अगर आपका बजट है तो आप इसको ज़रूर लें, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। मोस्टली आपको जूस की दुकान पर, जूस की शॉप्स पर, आपको रेस्टोरेंट में, होटल्स में यही सुजाता का मिक्सर ही मिलेगा, क्योंकि इसकी मोटर बहुत हैवी है। अब मैं आपको इसका एक रिव्यू भी देती हूँ कि इसमें मसाले हमारे, ये मैंने कुछ ड्राई अपने स्पाइसेस लिए हैं, और जो मेरे पास पिछला मेरा ये तो 2 साल हुए हैं मुझे, इससे पहले मेरे पास 2 मिक्सर और रह चुके हैं, ब्रांड का नेम तो नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरा यहाँ पे मैं किसी ब्रांड की बुराई नहीं कर रही हूँ, बल्कि जो ब्रांड मैं यूज़ कर रही हूँ उसकी आपको क्यों लेना चाहिए, उसमें क्या अच्छा क्वालिटी है वो बताना चाह रही हूँ। तो उसमें जब मैं ड्राई अपने स्पाइसेस डालती थी ना, तो वो बिल्कुल मतलब कि फाइन पाउडर उनका नहीं बनता था, मुझे उनको छानना पड़ता था। और इलायची अगर हम उसमें डालते हैं तो इलायची तो कभी मेरी उसमें ग्राइंड हुई ही नहीं सही से, उसके रेशे से रह जाते थे, लेकिन इसमें बिल्कुल फाइन पाउडर बनता है। तो अब मैं आपको इस पाउडर भी बनाकर दिखाऊंगी। देखिए ये जो मैंने इसमें बड़ी इलायची ली है, और इनका मैंने छिलका नहीं उतारा है, ये छोटी इलायची भी है इसमें, इनका भी मैंने छिलका नहीं उतारा है। जायफल है, आपको पता ही है कितना हार्ड होता है, जावित्री है, ये भी बहुत हार्ड होती है, तो ये सारे हार्ड वाले मैंने स्पाइसेस लिए हैं। अब मैं इसको इसमें डालूंगी और आपको इसका पाउडर बना के दिखाऊंगी कि इसका रिजल्ट क्या है। ये लगा देते हैं हम अपना जार, और इससे आपकी इसको साउंड का भी पता चल जाएगा कि इसकी कितनी साउंड है। तो पहले मैं इस पे दो करती हूँ,
पाउडर को, और मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। तो मेरी नज़र में तो ये वाकई ही नंबर का, इंडिया का नंबर वन मिक्सर है, और आप इसको बिना झिझक के आराम से ले सकते हैं, इसमें आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं उनको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।